फटाफट अंदाज में देखते हैं 24 घंटे की 24 बड़ी खबर। मधुबनी जिले में आज फिर मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज, इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या हो गई 697, जिसमें 2 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत, 123 मरीजों का चल रहा है उपचार। जयनगर व देवधा पुलिस ने अलग अलग जगहों से 1237 बोतल शराब के साथ 3 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। शुक्रवार की शाम SDM शंकर शरण भूमि के नेतृत्व में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 37 लीटर शराब के साथ धराया एक बाइक सवार तस्कर। जयनगर के देवधा थाना पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर से बोरे में रखकर लाए जा रहे 1200 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 धंधेबाजों को पकड़ा। 40 कार्टूनों में शराब तस्करी कर नेपाल से ला रहे तस्कर इनरवा कोट निवासी इंद्रजीत यादव व मुकेश यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे। जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने लॉकडाउन के नियम के पालन को लेकर सख्त तरीके से चलाया चेकिंग अभियान। 2 दिनों में 1,07,000 रुपए बतौर जुर्माना वसूले गए। बिना मास्क व हेलमेट समेत 4 चक्के के वाहनों से भी वसूला गया जुर्माना। जदयू जिलाध्यक्ष अब्दुल कयूम द्वारा जयनगर के कैलाश पासवान और प्रकाश सिंह को जिला महासचिव तथा राम विनोद सिंह व मनोज सिंह को किया जिला सचिव मनोनीत। मनोनयन पर स्थानीय कार्यकर्ताओं में खुशी। बेनीपट्टी के उच्चैठ बिरोली पथ पर बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की हुई मौत। बिरोली गांव के रामदयाल यादव के 18 वर्षीय पुत्र मिंटू यादव है मृतक। इसी स्थान पर पिछले वर्ष भी एक युवक की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई थी मौत। बिस्फी थाना में विवाहिता की हत्या को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी। थाना क्षेत्र में नवरत्न टोल में एक विवाहिता के गले में फलदार डाले मिली थी 28 वर्षीय रूबी देवी की लाश। सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। ससुराल वालों पर है हत्याकार। मधुबनी शहर के प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर ज्ञानेश नारायण के निधन पर शोक संवेदनाओं का लगा तांता। 74 वर्षीय दिवंगत प्रोफेसर ज्ञानेश नारायण का गुजरात में हुआ निधन। हरलाखी खेड़ा पुलिस ने 59 बोतल शराब को किया जब्त। कारोबारी फरार, गुप्त सूचना मिलने पर खेड़ा बाजार में की छापेमारी। फरार कारोबारी की हुई पहचान, मामला दर्ज कर जांच में जुटी। हरलाखी में लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर 5 दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। खेड़ा थाना पुलिस ने सोनई गांव में दुकानदार राकेश कुमार राम के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में दर्ज कराई प्राथमिकी। हरलाखी में 6 दिन पूर्व अपहृत नाबालिग लड़की बरामद। आरोपी लड़का हुआ गिरफ्तार। बरामद अपहृता को मेडिकल जांच के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा 164 का बयान। वहीं आरोपी युवक को भेजा गया न्यायिक हिरासत। हरलाखी में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव की घटना। दोनों पक्षों में घायलों का फट बयान लेकर प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुटी। बाबूबरे में खरवा नदी पर बना पुल हुआ धराशायी। पिरही पंचायत के अंतर्गत पिरही तथा नवडोली गांव के जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर 1.5 वर्ष पहले भी बना था पुल। कई गांव पर टूटा संपर्क। बाबूबरे के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमारी पूनम के स्थानांतरण पर दी गई समारोहपूर्ण विदाई। परियोजना कार्यालय में प्रधान लिपिक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में विदाई सह सम्मान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झंझारपुर के विधायक गुलाब यादव ने किया मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत नवनिर्मित PCC सड़क का उद्घाटन। लखनौर प्रखंड के ऑक्सी बेरमा एवं झंझारपुर प्रखंड के सिंधुपुरा गांव में करीब 30 लाख की लागत से बनी है 3 PCC सड़क। मधेपुर के कोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जाप संरक्षण सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने किया 2 दिवसीय दौरा। कोसी पश्चिमी तटबंध पर स्थित बलथी गांव में रात्रि विश्राम कर रुके पूर्व सांसद ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनकर उन्हें हर संभव मदद का दिया आश्वासन। घुघड़िया में चचरी पुल बाढ़ के पानी में बह जाने पर तसला के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। तकरीबन 50,000 की आबादी वाले आवाजाही के लिए लोग अपने से ही हर साल कालीपुर इस्लामपुर के बीच भूती नदी पर बनाते हैं चचरी का पुल। चचरी पुल ध्वस्त होने के बाद नाव का भी नहीं है व्यवस्था। केंद्र का कराया गंदगी मुक्त। शनिवार को ग्रामीण युवकों ने विभाग द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की सफाई नहीं कराने पर खुद ही स्वास्थ्य उपकेंद्र परिसर की कर दी सफाई। मधवापुर में सर्पदंश से वृद्ध महिला की हुई मौत। सहरघाट थाना क्षेत्र के पकड़ साम की घटना। स्वर्गीय राम जतन सिंह की पत्नी मिथिलेश देवी को बरामदे में सीढ़ी पर बैठकर बात करते समय काटा विषैले सांप। इलाज के दौरान हुई मौत। गिरफ्तार। बीते 10 जुलाई को पस्टन गांव में घटी घटना की वीडियो हुआ था वायरल। पस्टन गांव में मोतीलाल की पत्नी लीला देवी और राधे महतो की पत्नी रेणु देवी है धराए आरोप। 3 दिनों से जला है मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पंचायत के कन्हैया बाहर चौक पर लगा 200 केवी का विद्युत ट्रांसफार्मर। इससे जुड़े करीब 250 उपभोक्ताओं को बरसात में काली रात और उमस भरी गर्मी में नहीं मिल रहा है बिजली। विभाग बना है लापरवाह। अंधरा ठाणे में
लॉकडाउन को लेकर वाहन के साथ पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। BDO, CO और थाना अध्यक्ष के अलग अलग अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए लोगों का काटा चला। मधुवापुर थाना में विभिन्न 13 कांडों में जब्त 1908 लीटर शराब का किया गया विनिष्टीकरण। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट सह CO सुधीर कुमार एवं उत्पाद विभाग के SI सन्नी कुमार की मौजूदगी में पुलिस ने जब्त शराब का किया विनिष्टीकरण। दिव्यांग और विधवाओं के लिए काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफेम इंडिया ने राहत वितरण के नाम पर की खानापूर्ति। लखनौर प्रखंड के दीप गांव में 150 लाभुकों की जगह 52 लाभुकों के बीच किया राहत का वितरण। आप देखिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। नमस्कार।